आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि है तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आप लोग, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि धीरे धीरे सीखेंगे, हौले हौले सीखेंगे, फिर भर भर कटोरा पीसेंगे। तो इसलिए ज्ञान को धीरे धीरे डेली लो। ये नहीं कि एक दिन में 14 घंटे पढ़ लिए, एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, उसको डेली पढ़ो। और आप मान लो कि धीमे 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 6 महीने के अंदर आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। कहेंगे अरे ये तो बहुत ज्ञान प्राप्त है, इसको तो बहुत जान के, कारण क्या है? डेली पढ़ो। आपने एक दिन 14 घंटे पढ़ ली, फिर 14 दिन की छुट्टी, वो ज्ञान कभी काम आपके नहीं आएगा। हम जो है इस समय भूगोल के सत्र में, जियोग्राफी के सेशन में उपस्थित हैं। हमने जियोग्राफी के तहत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। हमने जियो मॉर्फोलॉजी क्या चालू किया था, भूगोल को शुरू किया था, जियो मॉर्फोलॉजी को शुरू किया था, जिसके अंदर पृथ्वी की संरचना कैसी होती है इसका अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पृथ्वी की कौन कौन सी परत होती है। तो हमने बहुत सारे अध्ययन बताए पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी अध्ययनों के अध्ययन। तो अगर पहला अध्ययन देखें तो पहला अध्ययन था घनत्व पर आधारित अध्ययन, घनत्व पर आधारित अध्ययन। पहला अध्ययन है घनत्व पर आधारित अध्ययन। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व को डी से डिनोट करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। आयतन को वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ऊपर को इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? और डी घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। अगर मान लो, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये मान लो कि अगर वी कांस्टेंट है, क्या है? वी बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि इसका मान बदलेगा नहीं। क्या है? इसका मान बदलेगा नहीं। तो कह सकते हैं डी प्रोपोर्शनल एम, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है। क्या होता है? और डी एम के बराबर हो जाएगा। अगर ये चिन्ह लगा है, अगर मान लो कि एम कांस्टेंट है, मच्छर ने खा लिया, मैंने कहा बरसात का मौसम है, अपने शरीर की सुरक्षा करें, मोर्टीन कॉयल लगाकर रखें जिससे आपको डेंगू और मलेरिया ना हो जाए। क्योंकि इस बात का ध्यान रखें, अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी पढ़ पाओगे, तभी वर्दी का सपना पूरा होगा, अन्यथा वो सपना सपना बन के रह जाएगा और सपना के संग फिर आप गाना नहीं गा पाओगे। समझे? एम को अगर कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें? कांस्टेंट मान लें, तो क्या हो जाएगा? डी प्रोपोर्शनल 1/v। ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती हिंदी में, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती है कोई सब चीज़, तो समझ लो सीधा सीधा संबंध है। कैसा संबंध है? सीधा सीधा संबंध, बिल्कुल सीधा संबंध है। ऐसा संबंध है कि चोट तुझे लगे और दर्द मुझे होगा। कैसा संबंध है? चोट लगती तुझे है, दर्द मुझे होता है। जैसे माँ और बेटे का, गलत मत समझना, आप लोग पता नहीं कहाँ घूम जाते हो, पता नहीं किसको ले जाते हो। माँ और बेटे का दर्द होता है, चोट माँ को लगती है, सॉरी, चोट बेटे को लगती है, दर्द माँ को होता है। क्योंकि माता सुनी ना कुमाता, ये बात ध्यान रखना। पूत तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन एक दर्द और होता है जिसको आप सही समझ रहे थे कि चोट तुझे लगती है प्रेम में और दर्द मुझे होता है, वो फूंक देता है, सही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर अगर डी बढ़े तो एम बढ़ेगा। अगर मान लो, ये लिख लिया था आपने,
डी का मान बढ़ेगा, डी का मान बढ़ेगा तो एम का मान भी बढ़ेगा, और अगर डी का मान घटेगा तो एम का मान भी घटेगा, अर्थात एम बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा और एम घटेगा तो डी भी घटेगा, और इसका मतलब होता है दुश्मन ए व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, क्या होगा डी बढ़ेगा तो वी क्या होगा घटेगा, और डी घटेगा तो वी बढ़ेगा, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है सीधा सीधा संबंध होता है कि दर्द तुझको होगा तो दर्द मुझे भी होगा, चोट तुझे भी लगेगी तो चोट मुझे भी लगेगी। यहाँ चोट इसे लगेगी खुशी इसे होगी, अगर चोट इसे लगेगी तो खुशी इसे होगी और इसे चोट लगेगी तो इसे खुशी होगी, मतलब उल्टा संबंध। अगर कह सकते हो कि ये सीधा संबंध है, कैसा संबंध है सीधा संबंध है, और ये कैसा है उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम देखते हैं आगे की बात है। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं इस चीज़ को, ये आपने लिख लिया तो अच्छा चलो, अब हम ये बात समझिए आपके पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का ये आप नीचे लिखते जाना, पृथ्वी पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, कितना है 5.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है इसका मात्रक, क्या होता है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम क्यों होता है, ग्राम द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, और आयतन का मात्रक क्या होता है क्यूब होता है, चाहे वो सेंटीमीटर में क्यूब हो चाहे किसी और चीज़ में क्यूब हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हम क्रस्ट, मैंने आपको क्रस्ट बताई थी क्या होती है, मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर हम एक तरबूज लें उसमें से एक ऐसी खांच निकाल लें, और मैंने बताया था ये पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम ऐसे निकाल लें तो इसमें तीन भाग होंगे, तीन परतें बनेंगी, इस वाली परत को क्रस्ट कहेंगे या भूपर्पटी कहेंगे, इसको मेंटल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे कोर कहेंगे, क्या कहेंगे कोर कहेंगे। तो अगर क्रस्ट का औसत घनत्व, क्या देखें क्रस्ट का औसत घनत्व देखें तो कितना होता है आप समझिए 2.8, कितना 2.8 से 3.5 ग्राम मीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, कितना होता है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ पूरी होल पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है 5.5 है पूरी पृथ्वी का, लेकिन अगर इसमें से हम कोर कोर का देखें तो कितना है 2.8.3.5 है। इसका मतलब ये अधिक है या ये अधिक है, कौन सा अधिक है, पूरी पृथ्वी का अधिक है और इसका कम है औसत घनत्व। इसका मतलब क्या है, अगर हम नीचे की तरफ जाएं, कहाँ जाएं, अगर हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएं तो क्या होता है घनत्व में वृद्धि होती है, ये कन्फर्म हुआ घनत्व में वृद्धि होती है। इतनी बात आई, क्योंकि इस पूरी का ऊपर ऊपर का जो है ये 2.8 से 3.5 है और पूरे का क्या है ज़्यादा है, तो उसका वृद्धि कहीं नहीं हो रही होगी नीचे, तो क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अगर हम देखें तो इसका अगर इन चीज़ों का अध्ययन करें तो परिणाम क्या निकलता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। समझ में आ गया। अब हमें ये पता करना है कि इस वृद्धि का कारण क्या है, क्या पता करना वृद्धि का कारण क्या है। अतः इस वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए
आप समझिए, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, अतः इस वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए। कितने मत दिए गए? दो मत दिए गए। अब देखें प्रथम मत क्या है। प्रथम मत में कहा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परतों की संरचना है और जो संगठन है वो समान है। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन समान है। क्या है? प्रथम मत में कहा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन समान है। अब समान है, एक बात मुझे बताइए आप, ये जो किताब है, जैसे ये किताब है और ये किताब है, इस पर यहाँ वजन अधिक है या इसके लास्ट पन्ने पर वजन अधिक है? क्यों अधिक है? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दाब बढ़ने से वजन बढ़ रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, तो क्या होता है, इसलिए दाब अधिक होता है और दाब जो होता है उसका आयतन से विपरीत संबंध होता है। क्यों होता है? आयतन आप जानते हो क्या होता है? अगर आप आयतन नहीं जानते, ये एक कपड़ा है जिसका इतना आयतन है, इस पर हम दाब लगाकर इसके आयतन को कम कर सकते हैं। मतलब इसके आयतन होता है किसी चीज़ के द्वारा कोई क्षेत्र घेरा गया हो, घेरे गए क्षेत्र को आयतन कहते हैं, और हमने किसी चीज़ पर दबाव लगाकर उसके आयतन को कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना संगठन समान होता है और दाब बढ़े तो क्या होगा? आयतन में कमी आएगी। क्या आएगी? और आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शुरुआत में बताया यदि आयतन में कमी आएगी तो क्या होगा? घनत्व में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आयतन का घनत्व से उल्टा संबंध। क्या संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। तो क्या होगा? घनत्व में वृद्धि होगी। क्या होगी? घनत्व में वृद्धि होगी। तो प्रथम मत में बताया गया जो घनत्व में वृद्धि होती है वह क्या होती है? दाब में वृद्धि के कारण जब आयतन में कमी आती है इससे घनत्व में वृद्धि होती है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इस मत में कुछ कमियां थी, वह कमियां ये थी कि अगर हम किसी चीज़ पर दबाव लगाएं और दाब के बाद वह चीज़ का आयतन कम होता है। क्या होता है? जैसे इसका आयतन कम हो रहा है, मेरे पास बॉल नहीं है, आपने कभी हाथ से दबाने वाली बॉल देखी होगी, देखिए ना स्पंज होती है, दबाते रहें तो एक समय बाद उसकी क्या होगी? प्रत्यास्था खत्म हो जाएगी और वह क्या टूट जाएगी। देखा है, किसी छड़ को लें, उसको मोड़ें, हर चीज़ की एक प्रत्यास्था मतलब सहने की क्षमता होती है। क्या होती है? जैसे आपने अगर महाभारत देखा हो, महाभारत में कृष्ण को लगातार एक व्यक्ति गाली दे रहा था, भगवान कृष्ण को एक व्यक्ति लगातार गाली दे रहा था, वो गिन रहे थे 1 2 3, जैसे ही 100 गाली हुई उन्होंने निकाला अपना सुदर्शन और गर्दन काट दी। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की जो प्रत्यास्था थी गाली सुनने की, वो 100 गालियाँ थी। कितनी थी? 100 गालियाँ थी। उसके बाद उनकी क्षमता खत्म, उनने कही 13 स्वाहा। समझ में आ गया? फिर बंदा अलग और बंदे की गर्दन अलग। समझ में आया? ऐसे क्या होता, हर पदार्थ की अपनी एक प्रत्यास्था होती है, सहने की क्षमता होती है। उसके बाद आयतन में कमी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आयतन में कमी नहीं होगी। इसका मतलब कहा गया कि जो घनत्व में वृद्धि हो रही है वह केवल दाब जनित मतलब दाब के द्वारा की गई नहीं हो सकती, और भी कोई कारण होगा। तब यह मत जब फेल हो गया तो द्वितीय मत आया। कौन सा मत आया? द्वितीय मत आया। आपने उतार लिया इसे, तो हम द्वितीय मत को देखेंगे। अब क्या देखेंगे? द्वितीय मत को देखेंगे। अब जो द्वितीय मत आया, द्वितीय मत देखो, प्रथम मत में कहा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन समान होता है। इसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन असमान होता है। कैसा होता है? असमान होता है, मतलब समान नहीं, असमान होता है।
अब आप मुझे बताइए कि आपने एक बड़ा सा टब लिया, उसमें क्या किया आपने, बहुत सारी चीज़ें डाली, जैसे आपने लोहा भी डाला, प्लास्टिक भी डाली, फोम भी डाली, और ऊपर से लगाया उस पर दबाव। तो मुझे बताइए, फोम सबसे ऊपर होगी या लोहा सबसे ऊपर होगा? फोम ऊपर रह जाएगी और जो भारी वस्तुएं होंगी वो नीचे पहुंच जाएंगी, पहुंच जाएंगी। इसका मतलब पृथ्वी के संग भी ऐसा ही है, पृथ्वी के संग भी ऐसा ही है। आप किसी टब को लो, उसमें बहुत सारे आइटम भर लो, ऐसे ऐसे करके घुमाओ तो हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं और भारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं। पृथ्वी भी घूम रही है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना संगठन आसमान है। तो आसमान का मतलब क्या है? इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें हल्के तत्व होंगे और निचली परतों में क्या होंगे? भारी तत्व होंगे। इसका मतलब जैसे ही परतों में नीचे की ओर जाएंगे, परतों में नीचे की ओर, परतों में नीचे की ओर, नीचे की ओर, जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी। और आपको एक बात बता दें कि द्रव्यमान का सीधा संबंध, कैसा संबंध? बिल्कुल सीधा संबंध होता है किससे? घनत्व से। कैसा होता है? घनत्व से सीधा संबंध होता है। अर्थात द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, तेरे दर्द होगा, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, समझे? चोट तुझे लगती है और दर्द मुझे होता है। उसको माँ बेटे का संबंध है। कैसा है? माँ बेटे का संबंध है। एम द्रव्यमान और डी घनत्व हुआ। अगर द्रव्यमान में वृद्धि होने से घनत्व में वृद्धि होगी, और इन्होंने कहा, इसके कुछ प्रमाण भी देते हैं, इसके प्रमाण दिए कि ऐसा होता है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के केंद्र का चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, पृथ्वी के केंद्र का चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण होगा तो क्या होगा? लोहा निकिल जैसे तत्व क्या होंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। और ये कैसे होते हैं? भारी तत्व हैं। कैसे तत्व हैं ये? भारी तत्व हैं। ये नीचे की ओर जाएंगे। इसके अलावा कहा, पृथ्वी की आंतरिक परतों का इस्पात की तरह दृढ़ होना, इस्पात की तरह दृढ़ में समझते हो, मजबूत होना। भाई अब कोई चीज़ अंदर की परतें अगर इस्पात की तरह मजबूत हैं, इसका मतलब वह भारी तत्वों से मिलकर बनी है। हम कहते क्या है? इस्पात की तरह मजबूत है, ये लोहे की तरह मजबूत है। इसका मतलब लोहा मजबूत होता है। क्या होता है? लोहा मजबूत होता है, ताकतवर होता है, इसलिए हम उसकी तुलना लोहे से करते हैं। और कह सकते हैं कि उल्का पिंडों के समान रासायनिक संरचना और संगठन। तीसरा प्रमाण क्या दिया? उल्का पिंडों के समान रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक संरचना। जो आंतरिक परतें हैं उनकी संरचना कैसी है? उल्का पिंडों के समान है। और हमारी पृथ्वी पर कुछ उल्का पिंड पास्ट में गिरे थे, इतिहास में कुछ उल्का पिंड गिरे पृथ्वी पर जो आज ही मौजूद हैं। अगर आप एक प्रमाण लो तो मैंने आपको एक महाराष्ट्र में झील का नाम दिखाया था, वह झील उल्का पिंड के गिरने से ही बनी थी। तो हमने उसका अध्ययन किया, देखा कि उसकी संरचना संगठन भी पृथ्वी की आंतरिक परतों के समान है। तो हमने इसका प्रमाण दे दिया। अब आप समझिए, जब हमें ये पता चल गया घनत्व के आधार पर कि इनका घनत्व बढ़ता है अंदर की ओर जाने पर, तो हमने क्या किया? घनत्व के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांट दिया। यहीं लिख लेना आप, पृथ्वी को तीन भागों में बांटा। एक को कहा सियाल, एक को कहा सीमा, और एक को कहा सियाल सीमा और निफे। क्या कहा? सियाल सीमा और निफे। सियाल मतलब SI AL, सीमा SI MG,
और निफे एन आई और एफ ए। सियाल सीमा निफे कहा, ये सीमा वो नहीं है जो सचिन लेकर आया है, समझे। ये सीमा कौन सी है, एस आई एम जी सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाली। सचिन वाली सीमा मत समझना कि सचिन हैदर बोला जाए, सॉरी सीमा हैदर। मैंने कल न्यूज़ सुना कि सचिन ने सीमा की पिटाई। आप समझिए मीडिया को कितना मज़ा आ रहा है ठलुआ बातों में कि सचिन और सीमा के संग क्या हो रहा है। घर में अंदर झांक झांक के देख रहे हैं। सचिन ने कहा क्या करूं, गुस्सा आई होगी उसने कि चलो थोड़ा सा मज़ा दे देता हूं, दो तीन लगा दिए होंगे, हैं तो मिल गया मौका। अब सचिन बनेगा भारत का ब्लेन कि ओहो पाकिस्तान से आई एक महिला पर किया अत्याचार। लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो आगे देखेंगे हम लोग। अगर आगे देखें तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जब घनत्व पर आधारित अध्ययन हुआ तो हमने बताया तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन। एक होता है दाब पर आधारित अध्ययन, एक होता दाब पर आधारित अध्ययन। ये कपड़ा बार बार गिर जाता है, पता नहीं इसे कितना मज़ा आ रहा है धूल चाटने में। आप अगर समझें इस बात को कि तापमान पर आधारित अध्ययन, तो आप समझिए रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो अपने आप विघटित हो जाते हैं, जिनको विघटित करने की जरूरत ही ना हो। मतलब ऐसा सिस्टम, मान लो ऐसा सिस्टम हो जाए कि आप लोग नहीं पढ़ें तो आपका हाथ अपने आप थप्पड़ मारे। अगर ऐसा सिस्टम हो गया, सोचो दुनिया का हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि उसका हाथ ही उसका दुश्मन है। पापा मम्मी के हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है रेडियो सक्रिय तत्व, ये स्वयं विघटित हो जाते हैं। और जब किसी चीज़ का विघटन होता है, आप कभी अपने थप्पड़ मार के देख रहा और फिर छू के देखना, गाल गरम गरम हो जाता है, देखा है, गरम गरम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही जब रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, जब वो विघटित होते हैं, तो उनके विघटन से भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे रेडियो सक्रिय तत्व हैं, जैसे यूरेनियम, जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं गर्म होता है नहीं होता। आप पक्का मानो गर्म होगा, गर्म होगा। नहीं विश्वास होता है तो क्लास के बाद मुझसे मिलकर देखना, मैं आपका गाल गर्म करके दिखा दूंगा। होता है भाई, विश्वास मानो, क्यों थप्पड़ खाने का प्रयास कर रहे हो, होता है गर्म। आप ये मानो कि रेडियो सक्रिय तत्व, अब रेडियो सक्रिय तत्वों का होता है विघटन। जैसे ही हम पृथ्वी में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन होने से क्या होता है, तापमान का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, में होती है वृद्धि। तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि जो होती है तापमान में, ये 2 से 3 डिग्री सी प्रति 100 मीटर, कितनी होती है, प्रति 100 मीटर, 2 से 3 डिग्री सी प्रति 100 मीटर। अगर हम 200 मीटर नीचे जाएं तो 2 से 3 डिग्री सी वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे जाते जा रहे हैं हम तो 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के बाद तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक बढ़ जाता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता।
गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन होने पर तापमान में वृद्धि होती है, 2 से 3 डिग्री सी की वृद्धि प्रति 100 मीटर होती है। कितनी होती है? प्रति 100 मीटर होती है। इसका 90 किलोमीटर के बाद तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रहता। मतलब इनका कहना ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो द्रव अवस्था में, मतलब पिघली हुई अवस्था में हैं। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार, किसके अनुसार? तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार। लेकिन एक बात ये करने में सब भूल गए कि भैया पृथ्वी की जो ऊपरी परतें होती हैं उनमें तो रेडियो शक्ति तत्व अधिक होते हैं, इसलिए तापमान में जो वृद्धि होती है वो तेज़ी से होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कम मिलते हैं, अगर कम मिलेंगे तो कम तापमान में वृद्धि होगी, तो कभी तापमान इतना बढ़ ही नहीं पाता कि द्रव अवस्था में रहें। इसका मतलब इस पर किया गया अध्ययन बेकार हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जब इस पर आधारित अध्ययन से संतुष्ट नहीं हुए तो हम गए दाब पर आधारित अध्ययन पर। किस पे गए? दाब पर आधारित अध्ययन पर। दाब पर आधारित अध्ययन, इसमें भी आप मान लो चोट तुझे लगेगी दर्द मुझे होगा, मतलब पी होता है दाब और पदार्थ का गलना, क्या होता है? पदार्थ का गलना। गलनांक जानते हैं क्या होता है? वह ताप। गलनांक का मतलब वह जो होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गल जाए, पिघल जाए, क्या हो जाए? पिघल जाए, वह क्या होता है? उसका गलनांक होता है। जैसे मान लो कोई 10 रुपये की चाय में पिघल जाता है, कोई 100 रुपये में पिघलता है, कोई 500 रुपये की चॉकलेट में पिघलता है, और कोई सिनेमा हॉल और प्लस मॉल में जाकर पिघलता है, लेकिन पिघलते सब हैं। ये भी पिघलना है। ये क्या है? पिघलना है। ऐसे ही क्या होता है? हर पदार्थ पिघलता है, कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और जो आपने कहा द बॉयज, ये तो केवल मुस्कुराहट पर ही पिघल जाते हैं, समझे? तो इनकी तो, और मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी की मुस्कुराहट पर मत जाना। अगर मुस्कुराहट पर सोचा ये मेरे लिए मुस्कुरा रही है तो आप अपने लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब जेब पर खर्चा बढ़ा रहे हैं। आप मानिए आपके पापा आपको 100 रुपये दे देते और उसमें से भी आप 10 रुपये बचा लेते थे। अब वो आप मानो वो 100 रुपये तो खर्च होंगे ही होंगे, साथ में आप अपने दोस्तों से कर्ज लोगे, दोस्त से कर्ज लोगे, कभी पापा के पैसे भी निकाल लो, वो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। इसलिए मुस्कुराहट पर फंसना मत, समझ में आ गया? एकदम सख्त बन जाओ कि जब तक वर्दी नहीं तब तक कारे मूड की लंबे बाल की नहीं। मैं एकदम सीधा घोड़े वाला फोकस कर लूँ, ऐसे करके दृढ़ निश्चय भगते जाओ सीधे वर्दी की तरफ। हाँ, सीधे वर्दी की तरफ भगना है, इसलिए मुस्कुराहट पर पिघल मत जाना, ठीक है? लेकिन यहाँ देखते हैं दाब प्रोपोर्शनल पदार्थ, मतलब दाब का सीधा संबंध पदार्थ के गलनांक से होता। जितना दबाव लगाओगे उतना पिघलेगा, मतलब जितना रूठोगे उतनी शॉपिंग कराएगा। अगर तुमने कहा कि आ रही हो पार्क में, नहीं बाबा नहीं, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने को, एक अच्छा सा सूट दिला दो, अगली बार आई ऐसे ही आ गया, ये तुम में तमीज नहीं है कि लड़की से मिलते हैं तो चॉकलेट लेकर आते हैं, समझे? जितना दबाव बनाओगे उतना पिघलेगा, उतने गिफ्ट देगा, समझ लो, गांठ मार लो लड़कियों, दबाव बनाते रहना, दबाव बनाते रहना ताकि वो पिघलता रहे। जिस दिन दबाव खत्म उस दिन उसका पिघलना खत्म। तो दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझे, अगर टेम्परेचर है 50 डिग्री सी, कितना है? 50 डिग्री सी टेम्परेचर है
और मान लो कोई एक्स पदार्थ है, क्या है, एक्स पदार्थ है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, एमपी गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सी, कितना है 40 डिग्री सी। ये एक हमने कोटेशन दे दी। अब हम क्या करें, इधर हम क्या करें, टेम्परेचर कर दें 40, कितना कर दें, टेम्परेचर कर दें 40 डिग्री सी, कितना कर दिया 40। पदार्थ क्या है, एक्स ही है, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 40, कितना है मेल्टिंग पॉइंट, कितना है 40। हमने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट 40 है और इधर टेम्परेचर को कम किया, तो अब क्या होगा, इस 40 डिग्री से पिघलेगा नहीं वो, क्योंकि 40 ही तो है, 40 के बाद तो पिघलेगा, 40 के बाद पिघलेगा, मतलब मान लो 30 डिग्री सी कर लो इसको, ठीक है। अब सही है, 30 डिग्री सी कर लिया हमने, अब ये पदार्थ पिघलेगा क्या, नहीं। अगर किसी को पिघलने से रोकना है तो तापमान को कम कर दो, क्या कर दो, तापमान को कम कर दो। ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं कि मेरे बाबू ने खाना खाया, अगर ये पूछा तो दबाव बनाएगी, इसलिए क्या कर दो, दबाव को कम कर दो, तापमान को कर दो कम, तो वो पिघलेगा नहीं पदार्थ। हम एक काम और कर सकते हैं, तापमान 50 डिग्री से ही रहने दें, अरे 70 कर दें, क्या कर दें 70 कर दें, लेकिन हम दाब बढ़ा दें, हमने तापमान कितना कर दिया 70 डिग्री सी कर दिया, कितना कर दिया 70 डिग्री सी। एक्स पदार्थ है, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सी, कितना हो जाएगा, अरे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ के हो गया, क्योंकि हमने दाब बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, क्योंकि दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। अगर हम किसी चीज़ पर दाब बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अर्थात वह पिघलता नहीं है। यही कारण है बहुत सी चीज़ों को हमें उसके तापमान से अधिक पर गर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको दबा कर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, दबा कर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, वो पिघलेगा नहीं लेकिन गर्म बहुत हो जाएगा, क्या हो जाता है, वो पिघलेगा नहीं लेकिन गर्म बहुत हो जाएगा। कभी किसी चीज़ को जो आप गर्म करते हैं उसको दबा के गर्म करना, वो तेज़ी से गर्म होगा, तेज़ी से गर्म होगा लेकिन वो पिघलेगा नहीं, क्या नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या है, अगर आप पृथ्वी के नीचे जाएं तो दाब बढ़ता है लगातार, ये कह रहे थे पिघल जाता है, ये इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि नीचे जाने पर मान लो तापमान बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, इसलिए कोई भी पदार्थ पिघलेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि तरल अवस्था में रहता है, और ये क्या कह रहा है, इस अध्ययन के आधार पर ये क्या कह रहा है, आंतरिक परतें ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, अवस्था में है, किसमें है, आंतरिक परतें ठोस अवस्था में है, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, दाब भी बढ़ता है, और दाब बढ़ने से क्या है, कोई भी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में नहीं रहता। अब आप बताओ, हम दाब तापमान की माने, दाब की माने या घनत्व की माने, तो ना तो तापमान घनत्व पर आधारित अध्ययन, ना ही तापमान पर आधारित अध्ययन, और ना ही दाब पर आधारित अध्ययन, तीनों ही अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पूरी और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। जब ये प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, किसका अध्ययन, किस पर पहुंचे हम, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, अध्ययन क्यों पहुंचे, अध्ययन क्योंकि घनत्व, ताप और दाब पर आधारित अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना की संपूर्ण और स्पष्ट स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने में
असफल रहे, असफल रहे, असफल रहे। तो हमने क्या किया, जब इन्हें भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन क्यों किया हमने, क्योंकि घनत्व, ताप और दाब पर आधारित पृथ्वी की आंत संरचना की संपूर्ण पर आधारित अध्ययन पृथ्वी की आंत संरचना की संपूर्ण और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने में असफल रहे। यहाँ पर आधारित क्या अध्ययन और लिखने में छूट गया है, ठीक है। कभी आपने भूकंप के बारे में देखा होगा कि भूकंप कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ठीक। अब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल, भूकंप मूल, या कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? से फोकस कहते हैं। इसके अलावा कहते हैं अवकेंद्रीय हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस या हाइपो सेंटर या अवकेंद्र। यहाँ से क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है अर्थात ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है भूकंप? क्या वास्तव में भूकंप क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है ऊर्जा तरंगों के रूप में। कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा तरंगों के रूप में, ऊर्जा तरंगों के रूप में। कैसे होती है? ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है, ऊर्जा तरंगों के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये समझिए कि भूकंप मूल या फोकस या हाइपो सेंटर जो होता है उससे 90 डिग्री के कोण पर, उससे 90 डिग्री, कहाँ 90 डिग्री, कितना कोण है ये 90 डिग्री के कोण पर जो स्थान अवस्थित होता है उसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर या अभिकेंद्र। क्या कहते हैं इसे? एपी सेंटर या अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र कहते हैं। और ये क्या होता है? अवकेंद्र होता है। अवकेंद्र क्या होता है? भूकंप मूल से निकटतम दूरी जहाँ पर, भूकंप मूल ये गया इससे वह निकटतम दूरी जहाँ पर सबसे पहले भूकंप के चटके महसूस किए जाएं। क्या होता है ये? भूकंप मूल से वह न्यूनतम दूरी जहाँ सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाएं। इतनी बात समझ में आ गई आपके कि एपी सेंटर क्या होता है और वो क्या होता है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति किस कैसे होती है, तरंगों के रूप में। क्या कह सकते हैं? तो एक पॉइंट बनता है हमारा कि भूकंप की उत्पत्ति तरंगों के रूप में होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? तरंगों के रूप में होती है। और तरंगों से क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण। क्या होता है? तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या आप ये बात मानते हैं कि तरंगों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? है? अगर नहीं मानते तो हम मनवा देंगे।
हम क्यों हैं यहाँ पर? अरे भाई अभी धूप कर रही पड़ रही है और धूप में आप लोगों की बॉडी हो जाती है गर्म, पानी पानी कर देता है धूप, सूर्य आपको कर देता है। अब सूर्य से जो ताप आ रहा है वो कैसे आता है? वो तरंगों के रूप में कैसे आता है? और उस उन तरंगों से क्या होता है, आपकी बॉडी गर्म होती है। क्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, तरंगों में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। अब ऐसी ही एनर्जी अगर हमारी पृथ्वी से निकले तो भूकंप आए तो दुनिया हिलेगी है, जो हिला डाला वही है ये भूकंप। क्या करता है? हिला डालता है, जहाँ आता है आप समझिए वहाँ उसके अगर 30 सेकंड का भी आ गया तो समझ लो कितने मकान ध्वस्त पता नहीं, हिला देता है एकदम। तो क्यों? क्योंकि ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है और तरंगों में हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप मानिए आपका जीवन इतना सरल और सुगम है केवल तरंगों के कारण। आप मोबाइल चलाते हैं जो आपको अपने जीवन में सबसे प्रिय, आप मानो दो मियाँ बीवी हैं उनमें इतना प्रेम नहीं है जितना उन्हें अपने अपने प्रेम से, फोन से प्रेम है। पासवर्ड भी नहीं बताते, पासवर्ड भी छुपा के रखते हैं। जो सबसे अधिक सीक्रेट होता है वो मोबाइल होता है, उसका पासवर्ड होता है। ऐसा लगता है लोग सीधे CBI और IB में काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पासवर्ड डालते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वैसे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, पासवर्ड डालने की बड़ा बुद्धि है। ऐसे पासवर्ड दुनिया समझ नहीं पाए, ऐसा लगता है पासवर्डों के आधार पर कि इस लड़की को या इस लड़के को CBI में सीधा भर्ती कर रहे हैं कि ये वहीं के लिए बना था, आप समझ रहे हो। तो ऐसा ऊर्जा का, अब ये मोबाइल चलता किससे है? तरंगों से। किससे चलता है? तरंगों से। आप इस कमरे में देख पा रहे हैं मुझको, अगर मान लो ये तरंगे नहीं होती तो मैं एकदम जादू बन जाता, आप मुझे नहीं देख पाते, समझ में। केवल आवाज़ सुनाई देती, और वो भी अगर तरंग नहीं होती तो आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, आप समझ रहे हो। अगर तरंगे नहीं होती तो मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंच रही होती, ये तरंगे ही हैं जो आप मेरी मधुर आवाज़, मैं नहीं कहूँगा कैसे यार, मैं तो अपनी आवाज़ को एकदम लता मंगेशकर की आवाज़ मानता हूँ, बिल्कुल मीठी आवाज़ है मेरी। ऐसी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है और आपके कानों में शहद घोल रही है तो कारण क्या है? तरंगों के कारण। किसके कारण? वैसे तो मैं मानता हूँ कि आपके कानों में शहद घोलने वाली आवाज़ दूसरी है, जब आप कान पर लगाते हैं फ़ोन तो आपका दिन सुबह ही सुबह होता है, लेकिन आप समझे तरंग क्या होती है। और वह तरंग क्या, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके कान तक आवाज़ पहुँच रही है, इसमें मेरी एनर्जी हो रही है वेस्ट। इसका मतलब मेरे मुंह से जो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं वो एनर्जी लेकर जा रही हैं। क्या लेकर जा रही हैं? एनर्जी लेकर जा रही हैं, और वह एनर्जी आपको दे रही हैं और वो आपके कानों में पड़ रही है। तो आप समझिए आप मेरी एनर्जी को ध्वनि के माध्यम से चूस रहे हो। उस एनर्जी की कसम खाओ कि आज से जितनी एनर्जी चूसोगे उतनी ही घर पे मेहनत करोगे और पढ़ाई करके आओगे, नहीं तो ये ध्यान रखना एनर्जी मेरी ख़राब हो जाएगी। आप समझे तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है और भूकंप की उत्पत्ति तरंगों के रूप में कैसे होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखें तरंगों के प्रकार। मैंने आपको बताया भी था कि तरंगें दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरे ज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे। आप लोगों ने कहा था कि तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। मैंने कहा कि 7 फेरों से ऊपर उठो, 7 फेरे, 7 समुद्र, 7 नदियाँ, इनमें कुछ नहीं रखा है। मानता हूँ लाइफ में है, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। अभी तो 2 ही याद करो, एक मैं और एक मेरा बाबू। तरंगों के प्रकार, जरूरी नहीं है कि अब एक मैडम कह रही कि मैं और मेरी तन्हाई, अरे
तुम तनहा हो तो हम क्या करें, सभी थोड़ी हैं। तरंगों के प्रकार, अब तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंगें, यांत्रिक तरंगें, और एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक बात अवश्य ध्यान रखना, दुनिया में एक बात अवश्य ध्यान रखना, अगर आपके पीछे कोई खड़ा है कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना, क्योंकि सबसे पहले वो ही भगते हैं जो पीछे खड़े हैं। आप अपने दम पर भरोसा करो, नहीं पता चला कि आप गए थे गुंडागर्दी करने लेकर लोगों को, और जैसे ही सामने आया और देखे कि 6-6 फुट के लोग हैं, आपने कहा क्या कर लेगा, तो उसने कहा पीछे तो मुड़ ले। देखा तो मैदान साफ था, ना था बंदा ना बंदे की जात, जो कह रहे थे कि भाई तेरा है गुंडा क्या करेगा, आप समझो सबसे पहले भगे। फिर आप मान लो वहां पर धूल ही धूल उड़ी, जब धूल हटी तो आप मानो कि आपकी दोनों बाएं पर प्लास्टर चढ़ा था, आंखें पड़ी थी काली, आप 6 महीने तक उठने नहीं आए, जिन्होंने कहा था कि हम खड़े हैं पीछे वो बाद में जूस लेकर आए, कहते हैं अभी भी हम तुम्हारे पीछे ही हैं, आपने देख नहीं पाया था, थोड़ा सा धूल की वजह से ज्यादा पीछे थे, आप जल्दी चले आए, आप हमें बताते तो कहाँ आना था, आप समझ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी कोई तुम्हारे पीछे हो विश्वास मत करना, जब तक ताकत खुद में ना हो, नहीं तो धूल उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल की खटिया में, समझ में आया। तो यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, दो प्रकार की तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे क्या हैं? जो मेरी मधुर आवाज आप तक पहुंच रही है ये केवल यांत्रिक तरंगों के कारण है, और आप मेरे सुंदर चेहरे को जो देख पा रहे हो कि मैं कितना स्मार्ट लगता हूँ, ये केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण है। समझ में आ गया? किस कारण है? विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के कारण है। अगर हम यांत्रिक तरंगों की बात करें तो कणों के कंपन के कारण क्या होता है? यांत्रिक तरंगों में कणों के कंपन के कारण, कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण। मतलब ये है कि इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? कणों कंपन कब होगा? जब माध्यम होगा। क्या होगा? इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कणों के कंपन के कारण से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और ये दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं ये यांत्रिक तरंगें। अब कणों का कंपन कैसे हो सकता है? एक तो ऐसे कंपन हो सकता है, जैसे आप मानिए आपके सामने आ गया शेर, फिर आपकी टांगें ऐसे ऐसे करेंगी वहीं की वहीं हलेंगी, तो ये क्या है? कणों का कंपन है। क्या है? कणों का कंपन है। मतलब कणों का कंपन तरंग के समानांतर कैसे होता है? तरंग के समानांतर मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें कणों के कंपन, जो कणों का कंपन होता है तरंग की दिशा के समानांतर कैसे होता है? कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर
अनधैर्य तरंगों में कणों का जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा के समानांतर, अर्थात तरंग ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, तरंग ऐसे जा रही है तो या तो कंपन ऐसे होगा या ऐसे होगा, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसके साथ साथ कंपन चलेगा और साथ साथ वही चल सकता है जिसमें होता है धैर्य। क्या होता है? जिसमें होता है धैर्य वही व्यक्ति चल सकता है जिसमें होता है धैर्य। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, कुछ भूलो ना भूलो ये अवश्य भूल जाओगे कि अनुधैर्य में कंपन कैसे और अनुप्रस्थ में कंपन कैसे, और भूले तो नंबर दो गए। तो अनुधैर्य के धैर्य से ध्यान रखना, धैर्य किस में होता है? जो साथ चल सके। आप समझिए, आपके सामने आया शेर, आप कप तो रहे हैं ऐसे, कंपन तो कर रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में है धैर्य। आपने शेर ने किया ऐसे कि आपने डंडा लेके किया ऐसे, तो क्या है? धैर्य है आप में, जो बल है। उसके बाद अगर मान लो फिर भी शेर नहीं माना तो ज्यादा धैर्य मत दिखाना, सीधा भक्के आ जाना कहीं को कि सर ने फंसा दिया। क्योंकि शेर को नहीं पता कि अनुधैर्य कंपन कैसे होता है, उसे तो एक ही कंपन पता है कि आज खाना है कल की बाद में देखेंगे। और मान लो चाहे उसके सामने कोई हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी समझदार हैं, कितने भी सुंदर हैं, आपने कितनी भी समझ लो अपने मुंह की घिसाई करके गए हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जब आपको खाएगा तो कहेगा ये पाउडर कहाँ से आ गया, फुक, उसको अलग अलग चाट के फेंक देगा और बाकी खा जाएगा। लिवर समझ लो कितना अच्छा लगता है। तो सुंदरता कहते हैं कि ये लड़की बहुत सुंदर है, कोई कहे कि ये लड़की बहुत सुंदर है, हम कहें शेर के सामने एक बार डाल के देख लो, अगर सुंदर है तो शेर छोड़ देगा, नहीं तो फिर सुंदर नहीं है। क्यों? तुम्हारी नज़रों में है सुंदरता। कोई लड़की अपनी सुंदरता पे इतरा इतनी इतरा मत, हमारी आँखों में सुंदरता है इसलिए तू सुंदर लग रही है। अगर नहीं तो शेर को तो सुंदर नहीं दिखेगी। अब आप मानो, एक होती है अनुप्रस्थ, क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग, इसमें क्या होता है? कणों का कंपन, कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत कैसे होता है? कणों की दिशा के लंबवत होता है। कभी आपने पानी फेंके, क्या फेंका हो? कंकड़ फेंका हो, कंकड़ ना मार सांवरे, मन में हलचल मच जाएगी। गाना सुना है कभी? नहीं सुना? कंकड़ ना मार सुनना, बड़ा ही अच्छा गाना है। मुझे गाने सीधे याद नहीं रहते। ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार बावरे, मन में हलचल मच जाएगी। क्योंकि जैसे ही शांत तालाब में आपने कंकड़ फेंका, ऐसे करके तरंगें बनती रहती हैं। इसमें लंबवत चलती है, अर्थात क्या होता है? तरंग है ऐसे, इसमें हिलोरे आएंगे ऐसे 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 ऐसे, समझे? ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ, देखा आपने? लहरिया मार मार के आते हैं, इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण अनुप्रस्थ तरंग के देखे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और बिना माध्यम के कुछ कर नहीं पाते। अगर उन्हें किसी से कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? अपने दोस्त से जाकर कहेंगे, नेक हेल्प कर दे भाई। एक होते हैं जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सीधे गए कि हमें आपसे ट्यूशन पढ़नी है। आप गलत मत समझा करो, पता नहीं कहाँ ले जाते हो। मैं तो कोचिंग लगाने की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? कोचिंग लगाने की। मैं कह रहा था कि एक बच्चा जो दूसरे के माध्यम से आया कि हमारी कोचिंग की बात करने चल रहा है क्या, तो वो तो हो गया यांत्रिक तरंग। क्योंकि माध्यम क्या? एक बच्चा वो जो हमारी कोचिंग पे आया
उसको कोई आवश्यकता नहीं, सीधा आया सर जी हमें ट्यूशन पढ़नी है, और उसने सीधी लगा ली। मतलब विकिरण के द्वारा ऊर्जा का, इसमें क्या होता है, विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। आप मानिए विकिरण के द्वारा, मतलब विकिरण क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करो, और आप समझिए आपने यहाँ पर किया गर्म, जैसे तवा देखा है आपने, आप तवे पर रोटी सेक रहे हैं, गर्म होने के बाद वो आपको ऊष्मा देने लगता है, वही विकिरण है, वही विकिरण है। किसी भी चीज़ गर्म करने पर वो दूर से ही आग देता है, गर्म कर देता है, वही विकिरण है। जिस मतलब संपर्क में नहीं आए हम, लेकिन फिर भी गर्म हो गए, संपर्क में नहीं आए, आपके पापा रहते हैं बाहर, समझ में आया, और आप करते हैं मटर गश्ती, मम्मी ने कहा पापा को शाम को आने दे, इतना कहा कि आपने काम करना शुरू कर दिया। मतलब बिना पापा के संपर्क में आए, बिना डंडा खाए, केवल नाम से, उनकी 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 डांट में इतना विकरण है कि उनके नाम से ही खौफ है कि आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, कर देते हैं। तो वो क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, और वो बच्चे जो यांत्रिक तरंगें होते हैं, मतलब जब तक पढ़े नहीं तब तक नहीं मानते जब तक कुटाई एक घंटा नहीं हो जाए। देखा आपने गरीब और अमीर बच्चों में देखा होगा, अरे आपने गलती की, सॉरी बोलो, इतना उनके लिए डांट है। हमारे यहाँ तो कुटाई जब तक अच्छी तरह बोरा की तरह नहीं हो जाए तब तक तो हम समझते ही नहीं हैं, नए का डांट को तो मानते ही नहीं हैं, पापा ने डांटा था। वो बच्चा इसी बात पर रो रहा है कि पापा ने मुझसे कह दिया तो मैं तमीज नहीं है, अब इस बात पे क्या रोना है। तो ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सीधे जाके डायरेक्ट कह देता है अपने मन की बात, बोल हाँ या ना, समझ में आ गया, क्या हाँ या ना। उसने कहा तुम्हारे यहाँ लगती है इतनी फीस, हम करेंगे इतने कम, अब पढ़ा पाओगे या नहीं, सीधा उसने कह दिया, गलत ना ले जाया करो, गलत ना, आपकी आंखों में जैसे ही ऐसा कहता हूँ पता नहीं क्या क्या ख्वाब सज जाते हैं। अरे भाई इन ख्वाबों को ना सजाया करो। ओके, अगर हम भूकंपीय तरंगें देखें, क्या देखें, भूकंपीय तरंगें देखें, तो दो प्रकार की, एक पिंड तरंगें और एक कायिक या सतही तरंगें। जो पिंड तरंगें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं पी तरंग, क्या कहते हैं, पी तरंग, एक को कहते हैं एस तरंग, क्या कहते हैं, एस तरंग, और तो सतही तरंग या कायिक तरंग उसे कहते हैं एल तरंग, क्या कहते हैं, एल तरंग। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप इनकी फुल फॉर्म लिखना चाहो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसे प्रेशर वेव्स कहते हैं, इसे सन वेव्स कहते हैं, लिखो मत तो अच्छा है। इसका इनका एक और नाम होता है, इन्हें कहते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे, इन्हें कहते हैं द्वितीयक तरंगे, इन्हें कहते हैं तृतीयक तरंगे। या पृष्ठीय तरंगें भी कहते हैं, कायिक तरंगें भी कहते हैं, आप पृष्ठी नाम भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय तरंगें। बहुत सारे नाम होते हैं, पता नहीं कौन सा पेपर में पूछ ले वो आपका धमाका ख़त्म कर दे। नहीं द्वितीय तृतीय मत, ठीक है। अब आप मानिए अगर हम पी तरंगों या प्राथमिक तरंगों की बात करें, तो ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। क्या होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्यान रखना अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे करती हैं,
कणों की दिशा में विस्थापन, जिसमें है धैर्य, वही करेगा कणों की दिशा में विस्थापन। अब आप समझिए, जो आपकी एस तरंगें, द्वितीय तरंगें होती हैं, संत तरंगें कहा, ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान, प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें, क्या होती हैं ये, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ। और जो ये होती हैं जल तरंगों के समान, तीसरी क्या होती हैं, जल तरंगों के समान अनुधैर्य और अनुप्रस्थ, तरंगें होती हैं, मतलब दोनों के गुण पाए जाते हैं, तरंगें होती हैं। कितनी बात समझ में आ गई, दोनों के समान होती हैं। इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी होंगी, इनको याद करना होगा, इसलिए हमने आपको पहले क्या कराई, अनुधैर्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें कराई, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें कराई, इसलिए एपिसेंटर के बारे में बताया, क्योंकि अध्ययन को हमेशा क्रमबद्ध रूप से और सुव्यवस्थित पढ़ना चाहिए। तो विज्ञान क्या है, जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हम गति की बात करें, गति और आवृत्ति, क्या है, गति और आवृत्ति सबसे अधिक होती है इसकी, पी तरंग की गति और आवृत्ति, यहाँ लिख लो आप चाहो तो, गति एवं आवृत्ति सबसे अधिक उस मध्यम और सबसे कम, सबसे कम, देखिए सबसे अधिक इसकी होती है, फिर उससे कम इसकी होती है, फिर सबसे कम इसकी होती है, अगर इनकी बात करें। लेकिन हम तीव्रता, आयाम और विस्तार की बात करें, क्या क्या था, तीव्रता, आयाम या विस्तार की बात करें, तीव्रता, आयाम या विस्तार की बात करें, दिख रहा है, दिख रहा है, तीव्रता, आयाम या विस्तार की बात करें तो सबसे कम इसका, तीव्रता सबसे कम होती है, इससे अधिक और सबसे अधिक, सबसे अधिक। आप मानिए, जिसकी तीव्रता, आयाम या विस्तार सबसे अधिक होगा, वो सबसे अधिक विनाशकारी, क्या होगी ये, ये क्या है, इसलिए क्या होती है, विनाशकारी, कैसी होती है, विनाशकारी होती है। आप ये मानिए, ये तरंगे मैंने क्या बोला है, पिंड तरंगे, क्या बोली है ना मैंने, पिंड तरंगे बोली हैं, पिंड तरंगे बोली हैं, इसका मतलब ये पृथ्वी के अंदर कहाँ रहती हैं, पृथ्वी के अंदर रहती हैं, इसका मतलब हमें इनसे कोई हानि नहीं है, है कोई हानि, ये सतह पर रहती हैं, जितने भी भूकंप आते हैं, जितना भी विनाश होता है, इस एल तरंग के कारण होता है। लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए क्या यह तरंग आवश्यक है हमारे लिए, एल तरंग तो स्पष्ट पर होती है, तो इससे तो हमें कोई अध्ययन मिल ही नहीं पाएगा, हमें किससे, किसका अध्ययन करना होगा, पी और एस तरंग, इनके आधार पर ही हम कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट और लिखना, कि जो पी तरंगें होती हैं, कैसी तरंगें होती हैं, पी तरंगें होती हैं, ये किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। कितने माध्यम होते हैं, तीन माध्यम होते हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, कितने माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पी तरंगें आप नीचे लिख लेना, तीनों माध्यमों में, माध्यमों में गमन कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, कौन कौन से तीन माध्यम, ठोस, द्रव और गैस। हाँ, जो एस तरंगें होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में, केवल केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, गमन कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। तीव्रता, आयाम एवं विस्तार, आयाम, आयाम एवं विस्तार, हाँ सबसे अधिक, इससे अधिक,
इससे अधिक कि सबसे अधिक। तो अब केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं एस तरंगें, और पी तरंगें तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, और जो एल तरंगें होती हैं, कौन सी होती हैं, एल तरंगें होती हैं ये धरातल के समीप चलती हैं। क्या चलती हैं? धरातल के समीप, धरातल के समीप चलती हैं। कहाँ चलती हैं? धरातल के समीप चलती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल अब हम भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के बारे में समझेंगे। हमने आज घनत्व पर आधारित अध्ययन, ताप पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भूकंप के जो अभिकेंद्र होता है, तरंगें क्या कौन कौन सी होती हैं, भूकंपी तरंगें क्या होती हैं। कल हम पढ़ेंगे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के बारे में। इसी के साथ ये क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है और आप देख रहे थे अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बहुत सारे आप अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, जानवरों पर दया करें, और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपने प्रति ईमानदार रहते हुए, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार रहते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।